చుప్ 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 బయాలజీ అనా శ్వసన్ చెప్తారు తప్ప ఠీక్ అచ్చా నోట్స్ దేనా చలో ఠీక్ అచ్చే నోట్స్ దేనా తా శ్వసన్ తంత్ర కా శ్వసన్ తంత్ర కా నోట్స్ ఆప్కో కల్ మిలేగా కల్ ఆప్కో ఛుట్టీ కా భీ అలౌన్స్ కియా జాయేగా అబ్ సబ్ లోగ్ సామ్నే ఏక్దమ్ ధ్యాన్ సే పఢాయి పే ధ్యాన్ దీజియే యే లైవ్ వాలే సబ్ లోగ్ अब ध्यान दीजिए श्वसन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस तरह से डाइजेशन था ना वैसे ही श्वसन आप बताओ चलो फटाफट क्वेश्चन बताइए डाइजेशन की क्रिया कहाँ है बताओ डाइजेशन कहाँ से चालू होता है अग्नाशय से कौन सा मास्क लगा कोरोना होगा तो हमरो हो जाएगा अग्नाशय से कितने एंजाइम निकलते हैं कौन 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 हाँ गुड चलो रहते ही अब अपने को सुबह सुबह गुस्सा लगा था सब सब बकलोल नहीं होता है कुछ कुछ पढ़ने में भी ठीक होता है सर लेट नामक एंजाइम निकलता है समझ आ गया कि नहीं तीन देखो लाइव वाले भी तीन लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन देख बबुआ लोग ध्यान से जब कभी हो पढ़ियो ना कोई क्वेश्चन एकदम फुली कंसंट्रेट होकर जब भी हम बोले कि अग्नाशय से कितना तो आपके दिमाग में अग्नाशय सबसे पहले दिखना चाहिए कहां होता है इधर होगा पेट के जस्ट नीचे आमाशय से जस्ट नीचे अग्नाशय कितने एंजाइम तीन पूर्ण पाचक रस क्या होता है पूर्ण पाचक रस अब हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ते हैं श्वसन दो टाइप का होता है एक बाह्य श्वसन एक आंतरिक श्वसन आंतरिक श्वसन थोड़ा सा टफ होता है बाह्य श्वसन बड़ा इजी होता है तो पहले बाह्य श्वसन पढ़ेंगे और बाह्य श्वसन का लास्ट स्टेप जो होता है वो आंतरिक श्वसन होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया यानी रेस्पिरेशन कहलाता है सांस लेना और छोड़ना इस दोनों क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं क्या कहते हैं ब्रीदिंग ब्रीदिंग जो है वो क्या चीज है भैया एक बायोलॉजी में भी चैप्टर का नाम क्या है रेस्पिरेशन 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 में आपका आता है ब्रीदिंग क्या आएगा ब्रीदिंग ब्रीदिंग जो होती है ये दो चीजों से मिलकर बनती है इनहेलेशन क्या चीज इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सहेलेशन सांस बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दो चीजों से क्या बनता है भैया आपका ब्रीदिंग सांस अंदर लेने की क्रिया को कहते हैं नी श्वसन क्या कहेंगे नी श्वसन और सांस जब बाहर छोड़ता है तो इसे बस बिंदु लगा दे नी श्वसन ये दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ये दो चीजें मिलकर हम सांस लेते हैं जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन और बाहर छोड़े तो एक्सहेलेशन ये दोनों चीजों को हम क्या कहेंगे ब्रीदिंग और आप बताओ ना भाई एक चीज से तो कोई मतलब नहीं बनता केवल ऐसा थोड़ी हो कि सांस लेवे करें खाली सांस लेवे करेंगे हा? छोड़ना भी तो है यहाँ पे तो नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो मरिए जाएंगे वहां पर केवल छोड़ भी नहीं सकते तो ये कंटिन्यूअस क्रिया होती है इसलिए इसे क्या कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं जिसमें दो चीजें होती हैं यहाँ पे अब आप बताइए नी श्वसन में मतलब नी श्वसन में हम सांस को क्या करेंगे अंदर अब अंदर हम कौन सी गैस को ले जाएंगे और कितनी मात्रा में ले जाएंगे ये हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है जैसा हवा में वातावरण है जैसा हवा है उसी हिसाब से हम सांस अंदर ले जाएंगे कि हमें दिमाग कौन सी लगाना है कुछ नहीं लगाना हाँ दिमाग ये लगाना है कि बाहर कौन सी गैस निकलेंगे सर समझ आ गया कि नहीं आ गया अंदर ले जाने के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना देखो भैया यहाँ पर मेनली तीन गैस होती है सब एक नाइट्रोजन N2 सब वायुमंडल में कितना परसेंट है 78% कितना परसेंट 70 इसके बाद ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट है 21% है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इसमें कोई दिमाग लगाना है भैया हवा में जितना रहेगा उतने लेंगे कि आप अपना घर का अलग से ऑक्सीजन लेके आएंगे ऐसा नहीं ना हो सकता है PDF वगैरह आप लोग को कब दिया जाएगा कल PDF मिल जाएगा लाइव वालों को आज ही शाम तक मिल जाएगा और आप लोग को कल के बैच में मिलेगा PDF वगैरह कीजिए कोई दिक्कत तो ये नी श्वसन में हम क्या लेगा अंदर लेगा अब नी श्वसन में यही चीजें छोड़ेंगे तो नहीं मान के चलिए अगर हम यही चीज छोड़ दिए तो फिर सांस लिए फायदा क्या हुआ सांस लेने में भी तो चाहिए ना भैया कुछ ना कुछ तो 70% जो 78% क्या था नाइट्रोजन 78% क्या था नाइट्रोजन जैसे लिए थे वैसे ही वातावरण को लौटा दिए 78% जैसे का लिए थे वैसे का वैसे क्या कर दिए लौटा दिए ये 21% है कितना परसेंट 21% तो ऑक्सीजन का जो 21% है वो लगभग 17% कितना परसेंट 17 तो 17% हम लोग क्या करते हैं लौटा देते हैं 17% जब हम लौटा देते हैं देखिए ये लिए कितना परसेंट है लौटाए कितना
4% क्या कर लिए रख ली, 4% क्या कर लिए रख लिए, यानी इस पर लिए थे हम कितना 21 और दिए कितना 17, कम दिए, कम दिए कि नहीं दिए, तो कुछ न कुछ चीज को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देते हैं, ये मतलब इको परसेंट नहीं था एक तरह से कहिए तो 0%, 0.03 का मतलब क्या चाहिए, 0 तो ये लगभग कितना परसेंट लेते हैं 4%, 4.6% लगभग कितना होता है 4%, तो लगभग कितना ले लेते भैया 4%, कितना परसेंट 4, किसी को कोई दिक्कत है, तो श्वसन यानी ब्रीदिंग जो होता है आप इसे 4% भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लगभग में वो ऑप्शन में इतना नहीं रहता है, बहुत दूर दूर का अंतर रहेगा, एक मान के चलिए आपको 4% ही याद है, एग्जाम में एक्यूरेट वैल्यू दे दिया 4.6, तो अगला ऑप्शन रहेगा 7%, एक ऑप्शन रहेगा 2%, मतलब बहुत ज्यादा मतलब करीबी में ऑप्शन नहीं रहता है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है दो चीजों से बनती है, यानी ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपका जितना मतलब वातावरण में है उतना ही चीजें आप अंदर ले जा सकते हैं। कौन कौन सा भैया, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेलेशन मतलब छोड़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन लिए थे वैसे ही छोड़ दिए, किसी को कोई दिक्कत है, नाइट्रोजन का कोई शरीर में काम नहीं है, नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने काम करता है और प्रोटीन हमारे शरीर में खाना से मिल जाता है, नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। अब बताओ भाई, हम जब यहां तक लिए हैं तो हमारा फेफड़ा उसी हिसाब से ना रेडी है, क्या हमारा फेफड़ा केवल ऑक्सीजन के लिए रेडी है? जिस तरह से हमारा हमारा जो शरीर है या हम खाने का जो हिस्सा होता है, हम दाल और चावल साथ खाने की हम दुनिया में आदत डाल चुके हैं, दाल और चावल साथ ही सान के खाएंगे, बट अगर आप इस तरह से देखेंगे बायोलॉजिकल, तो हम चावल खा ले और फिर दाल भी पी ले, बात बराबर होगा अंदर जाने के बाद, अंदर जाने के बाद बराबर होगा, बट यहां से आदमी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, कहीं कौन चीज है, पहले चावल खा लेते हैं उसके बाद दाल पिएंगे। तो हम लोग जब भी हमारा जो शरीर है साफ नहीं दिख रहा है, भाई तुम मोतियाबीन होगा तुमको मोतियाबीन वाला होगा, इसको साफ कहीं नहीं दिख रहा है जी, चश्मा लगा लो बाबू, हमको भी चश्मा लगने वाला है, मेरा भी अब आंख डिस्टर्ब हो गया, लाइट ज्यादा रहते रहते हैं, धुंधला तो था, अभी दर्द करने लगता है, धुंधला नहीं, हमको तो दिखता एकदम साफ है, हमको सोचो दीवार वो पार दिखता है ऐसा नहीं है भैया, लेकिन आंख में विजिबिलिटी कहीं भी खराब नहीं, बट बताए ना रोशनी देखते तो दर्द करने लगता है, इतना रोशनी में रहने की आदत हो गया है। चलो ये याद देखो, हम लोग को इतना गैस लेने की मजबूरी में आदत पड़ रखी है, इसलिए जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, उसको शुद्ध रूप से ऑक्सीजन चढ़ा दीजिएगा ना तो मर जाएगा, रीजन क्या है, वो तो बीमार है, उसका फेफड़ा जब से पैदा हुआ है इस सारी गैसों को एक साथ लेने का आदत है, शुद्ध ऑक्सीजन उसको आदतें नहीं है, और अचानक बीमार है उसको लेके देंगे शुद्ध ऑक्सीजन तो का फेफड़ा कहेगा कौन चीज दिया है रे तुम यहाँ पे, ये ठीक चीज नहीं है, हम इसको सांस के रूप में नहीं लेंगे, आदमी क्या हो जाएगा मर जाएगा, इसलिए जब ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है तो फेंट दिया जाता है उसमें नाइट्रोजन और हीलियम। अब हम ये आपको जब आगे बताएंगे, गोताखोर हीलियम ले जाता है कि नाइट्रोजन ले जाता है, नाइट्रोजन हीलियम दोनों ले जाया जाता है, कम गहराई पे कुछ और होता है, अधिक गहराई पे कुछ और होता है, ये केवल इसीलिए मिलाया जाता है ताकि हम लोग को उसका क्या हो सके, आदत हो सके, ये समझ में आ गया। अब सांस जो होता है ये लेने से हमें एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है एनर्जी, क्योंकि सांस जाता है तो कार्बोहाइड्रेट चीजों को क्या करता है बर्न करता है, तो हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है, और हमारा शरीर गर्म रहता है, जब सांस नहीं लेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, सांस नहीं लेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा ब्लड ब्लड घूमता क्यों है, ब्लडवा ससुरा खाली ऑक्सीजन लेने आया रहता है, केवल और केवल क्या करने आया है ऑक्सीजन लेने आया है, फेफड़ा से क्या लेने आया है ऑक्सीजन, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन लेने आएगा नहीं आएगा, तो ब्लड घूमेगा नहीं, तो ब्लड एक ही जगह रह जाएगा, जब एक ही जगह रह जाएगा आप बताओ ठंडी के दिन में आप ऐसे ऐसे हाथ करते हैं गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और ज्यादा स्पीड से करेंगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा, चमड़ा मत छोड़ दे एकदम दीजिएगा लोग, तो बचपन में आप लोग ऐसे ऐसे किए थे माता पे अरे दूध
ऐसे कह के 600 बार करना था इसे, एक से एक मारा, ऐसे को दाग हो जाता, चमड़े उतार देता था यहाँ का। तो वैसे आपको अगर हम एक फिक्स स्पीड से ऐसे ऐसे घुमाते रहे, एक फिक्स स्पीड से क्या करते रहे, घुमाते रहे, तो हमारे हाथ का एक फिक्स टेम्परेचर बना रहेगा। मान के चलिए इसी स्पीड से हम खूब ऐसे ऐसे घुमाते रहे तो हमारे हाथ का टेम्परेचर फिक्स रहेगा कि नहीं, फिक्स रहेगा। तो हमारे जो ब्लड में, जो शरीर में जो ब्लड घूम रहा है वो भी तो फिक्स घूम रहा है, 180 पे आ रहा है, 120 पे आ रहा है, 80 पे जा रहा है, तो 120 बटा 80 कहते हैं, तो उसका भी क्या है, फिक्स है। तो उससे घर्षण होगा तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, फिक्स हो जाता है वहां पे कितना डिग्री सेल्सियस, 37 फारेनहाइट में 98.6 होता है। तो ये जरूरी है हमको जिंदा रखने के लिए, इससे हमें क्या मिलता है भैया, ऊर्जा मिलता है। अब सांस लेने के अलग अलग तरीके होते हैं कि कौन सा चीज किस अंग से सांस ले रहा है। उसके बाद दूसरा चीज होता है सांस लेने का मार्ग कौन सा है, जैसे हम लोग सांस नाक से लेते हैं कि फेफड़ा से, कितने लोग कहते हैं कि नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, कितना लोग कहते हैं फेफड़ा से लेते हैं, नाक काट दे, एक होता है बोलूंगा श्वसन यानी सांस लेने का अंग, श्वसन अंग, वह मुख्य अंग जो सांस को पंप करके खींचने का काम करता है उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन अंग, क्या कहेंगे, श्वसन अंग कहेंगे। आगे बढ़ जाए, श्वसन अंग हो गया। श्वसन अंग में जो सबसे अलग अलग जीवों के अलग अलग श्वसन अंग होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं जो अमीबा पैरामीशियम ये सब, ये विसरण विधि द्वारा सांस ले लेते हैं, इनको सांस लेने के लिए कोई अंगे नहीं है, जहां तहां से खींच लेते हैं, जहां तहां से खींच लेते हैं, ये किसे ले लेते हैं, विसरण विधि से। तो पहला आपका होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, क्या हम लोग एक कोशिकीय है, हम लोग असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है। एक कोशिकीय जीव किस विधि से सांस लेता है, विसरण विधि से, किस विधि से लेगा भैया, विसरण विधि से लेगा। वही अगर हम बात करेंगे तो जलीय जीव की, जो जल में रहते हैं मछली वगैरह, जलीय जीव ये किससे लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, और ये किससे लेंगे, विसरण से, विसरण विधि द्वारा लेते हैं, और ये किसे लेंगे, गिल्स से। गिल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्लोम, क्या कहते हैं, क्लोम, उर्दू में बोलते हैं गलफड़, क्या कहते हैं, गलफड़, गलफड़। ये जब मछली वगैरह देखते होंगे तो साइड साइड में क्या होता है, गलफड़ होता है, तो ये मछली वगैरह इसी साइड साइड से क्या लेते हैं, सब सांस लेते हैं, सर गलफड़ से सांस लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जलीय जीव किससे लेते हैं, सर गिल्स वगैरह से लेंगे। आपका कीट जो होता है, सर कीट, कीट, कीट जो होते हैं इनके पास नाक नहीं होता है, कीड़े मकोड़े के पास नाक नहीं होता है, ये फेफड़ा में इनके यहाँ सीना के पास एक छेद होता है, सीना के पास क्या होता है, छेद होगा, और यहीं से सीधे सांस लेते हैं। उन लोग को जो हम लोग कभी यहाँ रहता था कितना सही रहता, यहीं से सीधे सांस ले लेता आदमी, खड़े खड़े यहाँ पे मास्क यहीं लगाता आदमी, यहाँ का जरूरत नहीं था, इतनी चूंकि मास्क से रहता, ढक्कन ऐसा कस दो काम करता, मास्क लगाने की जरूरत नहीं, बटन बंद कर लो काम करता, पहुंची है मास्क, मास्क लग गया सबका। तो हम लोग यहाँ से सांस नहीं लेते, जबकि अगर कभी कभी एक ऐसी समस्याएं आ जाती है कि आदमी यहाँ से नाक से सांस नहीं ले पाता है, तो फिर डॉक्टर गले में छेद कर देता है, यहाँ गले में क्या कर देगा, छेद कर देगा, एक पाइप डाल देगा, आदमी यहाँ से सांस लेता है। हमारे गले का जब ऑपरेशन हो रहा था यहाँ पे ना, मेरे गले में वो नकली नस डाल दिया, जो ब्रेन को मेन सिग्नल पहुंचाने वाला नस था ना, जो ब्रेन को ब्लड ले जाता था, उस सुरा नस में यहाँ से डिफेक्टेड हो गया। तो डॉक्टर कहा कि अगर ये गड़बड़ आ जाएगा तो तुम्हारा ब्रेन गड़बड़ हो जाएगा। हम कहे महाराज मेन चीज वे आप गड़बड़ कर देंगे, दूसरा है कौन चीज हमारे पास, इसी में तो सब चीज डाउनलोड किए है ना, मेरा डाउनलोड सिस्टम में करप्ट हो जाएगा तो फिर हमारा पूछेगा कौन, यहाँ खाली हो जाएंगे हम। तो ये नस काट के हमको क्या लगा दिया, सिलिकॉन का नकली नस लगा दिया यहाँ गले में। तो जहां पे मेरा ऑपरेशन हुआ BHU में, गले वाला डिपार्टमेंट में, तो उस सब डॉक्टर का अलग अलग डिपार्टमेंट होता ना, हड्डी वाला में जाएंगे तो खाली हड्डी टूटल मिलेगा सब, और गर्दन वाले में जाएंगे खाली गटैया वाला मिलेगा। हमारे बगल में एक आदमी था, बूढ़े थे, यहाँ से सांसें नहीं लेते थे, नबूर से खाते होते इधर देते, यहाँ उनके एक पाइप लटकल था इसे, इससे सांस लेते थे, खुर खुर बोलता था यहाँ से, अब जब खेखारते थे इधर से खेखार निकलता था, काच काच फेंकते थे, इसमें से खेखार, ट्रेकिया से कभी कभी कीड़े मकोड़े कहां से सांस ले लेते भाई, ट्रेकिया, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली को क्या कहा जाता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया से सांस लेते, किसे लेंगे, ट्रेकिया से। तेलचट्टा किसे सांस लेता है,
किसे सांस लेगा? ट्रेकिया से। तेरे चट्टा किसे सांस लेगा? ट्रेकिया से सांस लेता है, बीच में ये वाला गल्लो, ये वाला जगह से सांस ले लेता है, इसलिए तेरे चट्टा को अगर सर काटेंगे ना मरेगा ही नहीं। अच्छा तेरे चट्टा को पकड़ के उसका सर काट दीजिएगा, और छोड़िएगा ना तो चल जाएगा, इसे यहाँ से उठ के चल जाएगा, कहेगा सर काट के रख लिया मेरा, रख लो यहाँ पे, उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि सांस कहाँ से ले रहा था, ट्रेकिया से सांस लेता है, कहाँ से सांस लेगा ट्रेकिया, वो मरेगा तो भूख से, किसे मरेगा, भूख से मरेगा, क्योंकि खाना तो यहाँ से नहीं खा सकता है, ट्रेकिया से वो लोग सांस ले लेते हैं। मेंढक की बात करेंगे, मानव बात करते हैं, मानव, मानव यानी स्तनधारी, स्तनधारी पक्षी, गाय, भैंस, सांप, क्रोकोडाइल, ये सब टाइप के जितने चीज होते हैं, ये सब जो होंगे सब भाई, ये मानव वगैरह हो जाए स्तनधारी, स्तनधारी, ये सब सांस कैसे लेते हैं, फेफड़ा से, किसे लेंगे, फेफड़ा से। मेंढक की बात करिए, मेंढक, मेंढक ये ससुरा का तीन गो होता है, एक होता है आपका टेडपोल, मेंढक जब बच्चा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, टेडपोल, ये हो गया टेडपोल। दूसरा होता है आपका मेंढक, बड़का मेंढक, बड़का मेंढक को क्या लिखते हैं, बेंग लिख देते हैं, खरगोश। और दूसरा होता है निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, तीन टाइप का बींग। बचपन में बोलते थे लोग कि मेंढक मारोगे तो कान पक जाएगा, हम लोग बहुत ही मारे हैं लोग उसको, और कई लोग कहते थे कि बचपन मेंढक मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। चलो ध्यान दो, टेडपोल मेंढक के बच्चा को कहते हैं, जो सचरा बचपन में मछली की तरह दिखता है, बचपन में कैसा दिखता है, मछली की तरह, आप हम लोग बचपन में पालते थे लोग उसको पकड़ के, बड़ा होके सोचा मेंढक बन जाता था, तो उसको बिग मछली बोलते थे लोग, आधा मछली की तरह, उसी को क्या कहते हैं, टेडपोल। तो इस अवस्था में उसके पास गलफड़ होता है, यानी गिल्स होता है, गिल्स मतलब क्लोम होता है, छोटा छोटा टेडपोल की तरह होता है। जब वो बड़ा हो जाता है, बींग हो जाता है, टर टर चिल्लाता है, तो उस स्थिति में ये किससे सांस लेता है, लंग्स से सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेगा, जैसे आदमी लेता है फेफड़ा से सांस लेता है। और जो मेंढक टर टर बोलते हैं सब लोग, मेंढक नहीं बोलते हैं, मेंढकिन बोलती है सब, मेंढकवा को बुलाने के लिए, समझ गए कि नहीं, बहुत खजरी होती है, मेंढकवा खोजता है और कहां है, कि इतना देर तक कहे चिल्लाती है सर, टाए टाए चिल्लाते रहते, मेंढकवा कम खच रहा है, जब देखता है से इतना चिल्ला रही है से, तो उसमें सेलेक्ट करता है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब चिल्लाई जा रही है, अब जोना को कोनो सेलेक्ट नहीं करता है, तो बेचारी शाम तक चिल्लाते रहती है, लोग कहते हैं कि बारिश होने वाला है, दूर ससुरा से नहीं, ओकरा दूसरे दिक्कत है, तरह बारिश पड़ल है। ऑस्ट्रेलिया में मेंढकों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया ना, एक जाल बिछा दिया गया, नेट, और उसमें करंट की सप्लाई दे दी गई, और उस जाल के ऊपर ना रिकॉर्डिंग करके मेंढकिन का, खूब जवान मेंढकिन का आवाज, सुरीला आवाज डीजे में बजा दिया गया। इस सबको लगा ये कोनो नया नया आई लेकर, चल 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 चल, सब चल दिया सब उस बक्सा के आसपास में, पूरा नेट बिछा हुआ था, ऐसे नेट बिछा दिए थे सब, और सारे पूरे नेट के ऊपर यहीं पे क्या बजा दिए गए थे, डीजे, यहाँ 10,000 के आसपास मेंढक चले आए सर, अचानक करंट की सप्लाई दिए लोग सब मेंढक मर गया सर, सारा का सारा मेंढक क्या हो गया सर, मर गया सर, बेचारा सा बहुत आदमी से ज्यादा खतरनाक दुनिया में कुछ नहीं है, मार दिया सर उसको। अब निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था मतलब वो जो होता है मिट्टी के अंदर घुस जाता है, मिट्टी के अंदर जब घुस जाए तो उसमें वो स्किन से सांस लेने लगता है, किससे सांस लेगा, स्किन से सांस, ये लोग ले के जाते हैं फेफड़ा में, स्किन से सांस लेने लगता है, सांस कहाँ ले जाता है, फेफड़ा में, ये सांस लेने वाले अंग है, जबकि सांस लेने वाला रास्ता ये नहीं है, ये तो सांस लेने वाले क्या है, अंग है, अगर इन अंगों को काट देंगे तो कभी भी वो सांस नहीं ले सकता है। जैसे मछली वगैरह जो हो गई, जलीय जीव, उसका गिल्स अगर बंद कर देते हैं, ऐसे गिल्स में बंद कैसे होगा, रस्सी बांध दीजिए उसका, लीगल होता है, हाँ टेप से चिपका दीजिए, जैसे मछली सांस ले पाएगी, नहीं ले पाएगी, हाँ देहात में देख के वो मछलियां मिलती है, गरई मछली, अरे वो
देखो ध्यान से, ये कोई क्या बोल रहा है? बिपिन पाल सर, सीबीएसई वाले कहां से सांस लेते हैं? अकेले पूरा हिंदुस्तान में सीबीएसई वालों का बैंड बजा दिए। हमको बहुत बेइज्जती किया था सर जब हम पढ़ते थे, तो अब मजा आ रहा होगा उन सबको। लो सीबीएसई वाला पता नहीं सांस लेता है तो भी नहीं। ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। इसके बाद अब आता है श्वसन मार्ग। कौन सा मार्ग? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग किस रास्ते से होकर हवा जा रही होती है? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग ठीक वैसा ही होता है जैसे आहार नाल होता है। श्वसन मार्ग ठीक वैसे ही होता है जैसे आहार। क्या आहार नाल किसी एक अंग का नाम था? कहां से चालू हुआ था? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, छोटी आंत, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत में सीकम, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन, रेक्टम और इनर। ये इसी तरह, ये तो आहार नाल था। ऐसे ही केस कौन सा मार्ग होता है? श्वसन मार्ग होता है। श्वसन मार्ग क्या हुआ? नहीं नहीं, उसका तबीयत ठीक नहीं है। लड़का सब ऐसे थोड़ी जाएगा सर। श्वसन मार्ग समझ में आ गया? श्वसन मार्ग क्या? श्वसन अंग को दर्शाता है। श्वसन मार्ग में ही ये सब चीजें जिसकी होगी उसको मिलती जाएगी। तो हम लोग अपना क्या देखते हैं? श्वसन मार्ग। कौन सा? श्वसन मार्ग। तो हम लोग का श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। लेकिन श्वसन मार्ग यहाँ से डायरेक्ट फेफड़ा में कहा नहीं गया, डायरेक्ट फेफड़ा में आ गया। आया कहाँ कहाँ से? उसका अध्ययन हम लोग को कहाँ से करना है? श्वसन मार्ग। सबसे पहले नाक में छेद होता है जिसे कहते हैं नासा छिद्र। क्या कहेंगे? नासा छिद्र। नासा छिद्र। उसके बाद देखेंगे नाक में जो छेद होता है, इसके बाद यहाँ एक भिनास होता है। देखते हैं इसको लोग बोलते हैं भिनास फूट गया, नोकिया में मार दो इसे, टूट जाता है ऊपर वाला ये हड्डिया। ऐसे उंगली कोची है, वहां एक दीवाल फाटक मिलेगा, उसी को कहते हैं नासा कपाट। क्या कहेंगे? नासा कपाट। नासा कपाट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नासा छिद्र और नासा कपाट बहुत जरूरी है। घुटनी मछली क्या होती है जी? तुरा गांव में मिलती होगी बबुआ। सर एक कोशिकीय और अकोशिकीय जीव एक ही होते हैं, इसके लिए आपको एक फाइलम अलग पढ़ना है जिसका नाम होता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम में आपको ये सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। चलो भाई देखो अब ध्यान से। पहला सांस जब लेंगे तो फेफड़ा में पहुंचने से पहले जिस जिस रास्ते को होकर जाएगा उसे क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग। क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग में सबसे पहला बोलिए नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। ये कौन सा है? नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। नासा कपाट। उसके बाद मुंह फैलाएंगे ना तो फायरिंग्स। क्या मिलेगा? फायरिंग्स। मुंह खोलेंगे तो सबसे लास्ट का जो दीवार दिखता है उसे क्या कहेंगे? फायरिंग्स। क्या हो गया? फायरिंग्स। तो फायरिंग्स हो गया। फायरिंग्स, फायरिंग्स ये नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स, फायरिंग्स के नीचे क्या होता है? लैरिंग्स। फायरिंग्स के नीचे क्या पाया जाएगा? लैरिंग्स। बोलिए सबसे पहला अंग कौन था? उसके बाद नासा के बाद क्या? लैरिंग्स। फायरिंग्स के बाद फायरिंग्स और लैरिंग्स ये सांस लेने में क्या करते हैं? मदद करते हैं सर। अब आपको फ्रंटियल व्यू लैरिंग्स फेरिंग्स सामने से दिखे नहीं करता है। इस तरह से समझ में नहीं आएगा, उस सामने से दिखना चाहिए लैरिंग्स और फेरिंग्स। फेरिंग्स के एकदम सामने से एकदम मुंह खुलता ना आदमी तो उस सबसे पीछे की जो दीवार होती है उसी को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। अरे ये रहा, देखो ये आपका फायरिंग्स कहा गया जी?
फ्री के चक्कर में वहां पे। चलो ध्यान दे आप, ये जगह कौन सा है?
नासा छिद्र और नासा कपा, यहाँ दो चीजें बोल दीजिए। पहले क्या मिलेगा? फायरिंग, उसके बाद लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, कौन सा जगह ट्रेकिया, ये बोलिए ब्रोंकाई, कौन सा ब्रोंकाई, और उससे निकलेगा ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस तो ऐसा छोटा होता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस जो होता है इसके मुंह पे गोल गोल गुच्छे पाए जाते हैं जिसे आपके एलवीएलई कहते हैं, क्या कहते हैं एलवीएलई, ब्रोंकियोलेस के गुच्छे पे एक पे क्या मिलेगा एलवीओली, बोलिए तो क्या मिलेगा एलवीओली, क्या हो गया एलवीओली, ये हो गया आपका एलवीएली, ये थैले के समान होता है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस इसी में जाता है एलवीओली में, सांस कहाँ जाता है एलवीओली, तो इसी तरह का होता है फेफड़ा, अब इसको बाहर से कवर कर दीजिए लेमिनेशन, ये हो गया लेमिनेशन इसका, हो गया फेफड़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं फेफड़ा कहते हैं, इससे चलो बाउंड्री का तो कोई काम ही नहीं है, मेन काम किसका है अंदर वाले का, ये हो गया भैया आपका श्वसन मार्ग, कौन सा मार्ग श्वसन मार्ग, पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एलवीएली, ब्रोंकियोलेस के बाद एलवीएली, कौन सा हो गया एलवी, हवा कहाँ चला गया, हर एलवीएली में जाके हवाएं स्टोर हो जाती हैं, अब इस एलवीएली में कौन आएगा ब्लड, इस एलवीएली में कौन आएगा ब्लड, और ब्लड में से ऑक्सीजन लेके जाया जाएगा कहां तक कोशिकाओं तक, कहां तक कोशिकाओं तक, एलवीएली में कौन आएगा ब्लड, एलवीएली में ब्लड, और ब्लड इसमें से क्या ले जाएगा ऑक्सीजन, ब्लड क्या ले जाएगा ऑक्सीजन, कहां ले जाएगा कोशिका में, कहां ले जाएगा कोशिका, कितने लोग बता सकते हैं कि कोशिका के अंदर ले जाके किसको देगा, किसको देगा माइटोकांड्रिया, अब जब माइटोकांड्रिया ले लेगा तो वो कौन सा साइकिल चलाएगा क्रेब्स साइकिल, और उसी ससुरा क्रेब्स साइकिल को कहते हैं हम आंतरिक श्वसन, कौन सा श्वसन आंतरिक, पहले ये बाह्य श्वसन कंप्लीट करेंगे तब समझेंगे ससुरा माइटोकांड्रिया क्या करता है क्रेब्स साइकिल में, समझेंगे कि नहीं, क्या तो क्रेब्स साइकिल वाला अलग चीज है, तो इसके आगे का आप स्टेप लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए भैया ब्रोंकियोलेस के बाद हम क्या लिखेंगे एलवीएली, क्या लिखेंगे एलवीओली, एलवीओली लिख दिया, एलवीओली के बाद ब्लड, क्या लिखेंगे ब्लड, अब ये बताइए ब्लड में से, ब्लड में भी तो बहुत सारी चीजें होते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये सब चीजें होते हैं, तो ब्लड में कौन ले जाएगा आरबीसी, और आरबीसी में क्या लगा होता है हीमोग्लोबिन, एक्चुअली में ऑक्सीजन को खींचने का काम यही हीमोग्लोबिन करता है, क्या करता है हीमो, ऑक्सीजन को ले जाने का मेन और मेन काम क्या है हीमोग्लोबिन का, वो हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है आरबीसी, और आरबीसी कहाँ मिलता है ब्लड, क्या मिलेगा ब्लड, तो आप बताइए हमको ब्लड आरबीसी ज्यादा जरूरी है या हीमोग्लोबिन, देखो एक तो हीमोग्लोबिन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा तो आपको क्या आने लगेगा चक्कर, शरीर में ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, माइटोकांड्रिया ने छोड़ देगा, क्या कहते हैं ऑक्सीजन नहीं आ रहा हम क्या करें, कौन क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा जाओ, तो आदमी को चक्कर आने लगे, इसलिए महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी महिलाओं को देखिए कोई घबराने वाला जगह रहेगा ना तो उसका हीमोग्लोबिन अजीबे कम हो गया धप दे जा, दो आदमी और लेके जाओ, ठीक है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बच्चों में भी थोड़ा सा कम होता है, इससे बच्चे भी बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं समय पे, अब पुरुष में हीमोग्लोबिन एक्स्ट्रा में रहता है, मार धार होगा तो जाके झाकेगा, ओह माय गॉड पिटा रहा है, अब जब देखेगा बहुत खचरा होता है पुरुष, जब मार धार होगा तो वो मैं अपना हाथ साफ कर लेगा, बाद में पूछेगा कल ये पीट रहे थे उसको पूरा खचरा, इतना टाइम रहता है इन सबों को कहिए मत, तो ये ब्लड लेके चला गया कहाँ लेके गया होगा, कहाँ ले गया होगा कहाँ पे सेल, और सेल में भी कहाँ पर, सेल में भी माइटोकांड्रिया, सेल में भी कहाँ ले गया होगा माइटोकांड्रिया, अब माइटोकांड्रिया क्या करेगा, माइटोकांड्रिया कौन साइकिल क्रेब्स साइकिल, माइटोकांड्रिया कौन साइकिल क्रेब्स साइकिल, चलिए यहां तक समझ में आ गया, अब बच गया बस हम लोग को क्रेब्स साइकिल वाला देख लेना, वहां क्या क्या होता है हम लोग फरिया लेंगे, हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा तामझाम होता है, वहां पर आपका पाइरुविक एसिड टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, दो एटीपी का गेन होगा, फिर माइट वो बड़ी तामझाम है, पहले वहां पहुंचेंगे पहले यहां से नहीं बच जाते, पहला बोलिए नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एलवीएली, उसके बाद बस बस एलवीएली तक रखिए, वो ब्लड वाला हिस्सा दूसरा हिस्सा, एक बार सुस्ता लीजिए,
कहाँ जाएगा? ब्लड। ब्लड में कौन ले जाएगा? हीमोग्लोबिन। ब्लड का हीमोग्लोबिन, आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन। आप बस ब्लड बोलिए, क्या बोलेंगे? ब्लड। क्या हो गया? ब्लड। अब ब्लड के बाद सेल। सेल में माइटोकांड्रिया में क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। हमें क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाएगा। शुरुआत से नासा क्षेत्र, नासा का पास, फायरिंग, लेरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली। एल्वियोली हो गया। यहाँ पर टीबी नाम का बीमारी सुने? एल्वियोली खदड़ जाता है। एल्वियोली में क्या बन जाता है? घाव बन जाता है यहाँ पे, और व्यक्ति जब खांसता है तो खून निकलने लगता है। कोरोना बीमारी, कोरोना इस एल्वियोली को फाड़ देता है, कोरोना जम जाता है एल्वियोली में जाके। एल्वियोली में क्या क्या होना चाहिए? जगह होना चाहिए जिसमें क्या रह सके, ऑक्सीजन अपने आके उसी में ताम झाम कर देता है, मार देता है। अब वो एल्वियोली छोटा कर देगा, उसकी एल्वियोली को मार के खत्म कर देगा। अब एल्वियोली में ही सांस रखने की क्षमता थी, अब एल्वियोली सांसें नहीं खींच पाएगा तो कोरोना वाला सांस अजीब लेगा, अजीब सांस ले पाता है, जल्दी सांस नहीं ले पाता कोरोना वाला। आप कोरोना से थोड़ा सा बच के रहिए, अभी उसका सेकेंड फेज आ गया। बिहार में अभी प्रकोप कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि कम हो तो नहीं आएगा, अचानक चलाता है कोरोना। हम लोग कोरोना को लापरवाही के चक्कर में बढ़ा दिए। वैक्सीन, वैक्सीन बबुआ, वैक्सीन लगने के 2 महीने बाद वैक्सीन काम करता है। क्या जी? फेफड़े में पानी कैसे हो जाता है? जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस में नमी की मात्रा होती है, हवा में नमी की मात्रा। जैसे कूलर में पानी भरा जाता है, पानी चला जाता है, कैसे सांसों हम लोग ले लिए, अंदर चला गया। अब हमारे फेफड़े में इतनी हीट होती है कि उसको वापस वो क्या करता है? फेंक देता है। बट किसी किसी का फेफड़ा कमजोर होता है, वो पनिया वहीं में रह जाता है, तो छलकने लगता है, तो डॉक्टर उसको अपना, अब डॉक्टर का, अब इसके बाद आगे का काम किसका हो जाता है? डॉक्टर का। अब वो पानी कैसे निकाले? अब हम लोग को पानी निकालने के लिए दे देगा, छेद देगा, आदमी निकल रहा है रे। वो बीमारी का हिस्सा होता है। पानी का चीज तो कभी भी हो सकता है, अगर किसी के फेफड़ा में एक बार पानी घुस गया, पानी आ गया। छोटे बच्चों में एक चीज अक्सर होती है, बूढ़े लोगों में, यंग लोगों में इतना समस्या नहीं होता। छोटा बच्चा सबका फेफड़ा कमजोर होता है, बूढ़े लोगों का फेफड़ा एकदम झूल गया रहता है, एल्वियोली ऐसे ऐसे घूमता है, एल्वियोली ऐसे, तो उनमें थोड़ा सा समस्या आ जाती है। सांस कहाँ से चालू की है? नासा छेद, उसके बाद नासा का पार, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली। ब्लड, सेल, माइटोकांड्रिया। ब्लड, सेल, माइटोकांड्रिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नासा यहाँ छिद्र बहुत जरूरी है, यही सांस लेने का हमको जगह देता है। अगर हम नासा छिद्र और नासा कपाट को बाईपास करेंगे, बाईपास का मतलब उधर नहीं जाना, जैसे हर शहर में एगो बाईपास होता है ना, शहर हिल जाइएगा, शहर पड़वे नहीं करेगा बाहर बाहर, तो नाक बंद करके बाईपास से अगर निकालेंगे तो सीधे हवा कहाँ जाएगा? फायरिंग्स में। कहाँ चलाएगा? फायरिंग्स में। तो ये तरीका सही नहीं होता है, क्योंकि बाल में, नाक में ना बहुत ज्यादा बाल पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे हवा में धूल कण को अपने में सटा लेते हैं, सब वहां पे लगा लेते हैं बाल में। उसके बाद ये नासा कपाट होता है ना, यहाँ म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? म्यूकस। म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ। आप उसमें नाक में से उंगली डाल के देखिएगा ना, तो हमेशा वहां लिबिर लिबिर रहेगा यहाँ पे। वो क्या चीज है? म्यूकस। सर्दी रहे या नहीं रहे, आपको वहां पे चिपचिपा हमेशा रहेगा। तो जो छोटे मोटे कण है जो बालों में नहीं फंस पाते हैं, वो जाके कहाँ फंसते हैं? म्यूकस में। उसके बाद जो फायरिंग्स में हवा आती है, वो कैसी रहती है? शुद्ध। समझ में गया? ऐसे सांस लेगा, चल गया सब अंदर। यहाँ पे सांस कहाँ से लेना है? नाक से सांस लेना है। नाक में बाल वगैरह होता है, तो नासा छिद और नासा कपाट, यहीं पे ना, जो नासा कपाट है, यहाँ छोटे छोटे धूल कण क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। एक दो हफ्ते जमा हो जाएगा तो आप इसे बकट बकट के उसको नकटी के रूप में निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। वो सब क्या है? नकटी नहीं है, वो क्या है? धूल कण है। देखिएगा ना, नकटी काला रंग का हो जाएगा, बचपन में आदमी गोलियां देता था, बचपन में आदमी खा जाता था उसको, नहीं खाए, सब खाया होगा, सब नमकीन लगता है। तो ये क्या चीज हो गया? नकटी जम जाता है। कहां पर? नासा कपाट पर। पहला बोलिए कौन सा? नासा जी, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली। उसके बाद ब्लड, सेल, माइटोकांड्रिया। ब्लड सेल और माइटोकांड्रिया, ब्लड सेल एंड माइटोकांड्रिया। वो कौन सा ऐसा अंग है इसमें जहां पे हवा और सांस, मतलब हवा और खाना दोनों मिलता है?
कहां पर? फायरिंग, यहीं से डिसाइड हो जाता है। फायरिंग्स के बाद अगर लैरिंग्स में गया तो समझ जाइए कि कंफर्म जाएगा ट्रेकिया को होते हुए फेफड़ा में, और अगर नीचे चला गया यहाँ बीपी ग्लोटिस को होते हुए तो ऑएसोफेगस में हो गया। यही सारा ताम झाम होता है और यही ध्यान भटकता है तो खाना अटक जाता है, सरक जाता है, कुछ भी होने लगता है। कोई कोई को तो अजीब भयानक सरकता है, कोई तो मर जाता है सो सरकता है, तो और भयानक सरक गया तो आदमी मरियो जाता है वहां पे। तो यहाँ एक तो चौकीदार बैठा है जिसका नाम है ईपी ग्लोटिक्स, वो डिसाइड करेगा खाना है या फिर हवा है। तो जितना खाना पीने वाला चीज रहता है किसमें भेज देता है, ऐसा अदरवाइज को इसमें भेजता है। तो आप दोनों में अंतर समझे, एक होता है श्वसन अंग, इसमें हमारा श्वसन, इसमें हम फेफड़ा का नाम ही नहीं लिए। आप देखिए ना, कहीं फेफड़ा का नाम लिया, क्योंकि फेफड़ा हमारा क्या है, श्वसन अंग है। लेकिन उस फेफड़ा तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग ये रेस्पिरेशन पाथ है और रेस्पिरेशन ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सर। हमारा मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा। हम लोग का मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा। अगर लैरिंग्स बंद हो जाएगा तो भी सांस ले सकते हैं, डायरेक्ट फेफड़े से स्टार्ट कर देंगे, यहीं पे वो ड्रिल मशीन लाएंगे और ड्रिल कर देंगे यहीं पे, ऐसे ड्रिल मशीन से छेद कर देंगे, यहीं पे वो पाइप लगा देंगे, हो गया काम खत्म। इसको तो बस चाहिए यहाँ पे वो फिल्टर लगा देंगे आगे, ऐसे कैसे तो स्वच्छ भारत अभियान आई वाला मास्क लगा देंगे, सबसे अच्छा तो सांस लेते रहो। लेकिन अगर फेफड़ा गया काम खत्म। जो कोरोना वायरस का अटैक होता है वो शुरुआत के 2 से 3 दिन तक ट्रेकिया तक में ही रह जाता है, शुरुआत के 2 से 3 दिन तक कहाँ रह जाता है, ट्रेकिया, फेरिंग से ट्रेकिया तक। इसलिए गर्म काढ़ा पीते रहिए, खूब अच्छा गुलमिर्च उलमिर्च डाल के, अच्छा गर्म पानी वगैरह, ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा चीजें कहाँ चली जाए, पेट में। और पेट में तो नेचुरल सैनिटाइजर पहले ही इंतजार कर रहा है एसीएल, सैनिटाइजर का बाप है वहाँ, कोरोना हो चाहे कुछ हो जाए, आओ सोचना तो हम बताते हैं यहाँ पर। अब फंडिक रोक के रखे गए, चाचा रुक रुक रुक, अभी रेनिन ले यहाँ, पेप्सिन ले, कोरोना रोएगा ससुरा, हमको इधर नहीं जाना था यार, हमको ट्रेकिया में जाना था। तो आपका काम है जितना जल्दी से जल्दी आप उसको कहाँ पहुंचा दे, ओएसोफेगस में। अगर उस ससुरा ओएसोफेगस के जगह पे ट्रेकिया में गया तो होते होते वो ब्रोंकाई जाके उसको पहुंचना कहाँ तक है, एलवीएली तक। और एलवीएली तक पहुंच गया ना तो फिर समझिए अब टोटली चीजें आपकी इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करती है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इम्यून सिस्टम तगड़ा है बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। एपिग्लोटिक्स कल बताएंगे आज के।